माइनक्राफ्ट का एक ऐसा घर जो सिर्फ एक मिनट में रेडी हो जाता है, और भाई इस वाले घर में रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और ये है माइनक्राफ्ट की दुनिया का सबसे ज्यादा छोटा घर। तो आज मैं आपको वीडियो में ऐसे ही इलीगल बिल्ड्स दिखाने वाला हूँ जो सिर्फ प्रो प्लेयर्स को बनाने आते हैं, तो एंड तक जरूर देखना। लेट्स बिगिन। एक फैक्ट बताऊं, माइनक्राफ्ट में जब भी कोई नया प्लेयर आता है वो अपना घर या तो जमीन के अंदर बनाता है या तो केव्स में बनाता है। खैर, कोई कोई प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जो अपना घर डर्ट का बनाता है। ओए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन पता है क्या है? अरे यही जो मेरे साइड में है। अरे हाँ भाई, मशरूम के अंदर भी आप अपना घर बना सकते हो। बस करना ही क्या है, एक फ्लोर रेडी कर दो, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगा दो और अंदर अपना कीमती सामान रख दो। हो गया एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा घर रेडी। तो दोस्तों, आपने हर तरीके का घर देखा होगा, लकड़ी का घर देखा होगा, पत्थरों से बना घर देखा होगा, और कोई कोई तो भाई गोल्ड और डायमंड से भी अपना घर बनाता है। लेकिन ये घर देखो जरा भाई, ये पूरा घर बोट से बना है। और डरने की कोई बात नहीं है, इस घर के अंदर आप मस्त तरीके से रह सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको हल्का सा भी एक हाथ टच हुआ तो ये पूरा घर तहस नहस हो जाएगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब इससे तो बेटर भाई मैं जमीन में ही रह लूं। और देखा जाए तो भाई ये वाला घर भी कुछ बुरा नहीं है, यहाँ पर वो सारे आइटम्स हैं जो आपके काम आएंगे। इवन यहाँ पर आपके यूज के लिए एनविल और ब्रूइंग स्टैंड भी लगा रखा है। और तो और भाई, ज़ॉम्बी और स्केलेटन भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये बेचारे ज़ॉम्बी और स्केलेटन भी सोच रहे होंगे, भाई माइनक्राफ्ट में इतना गरीब प्लेयर कहाँ से आ गया। हमारे माइनक्राफ्ट में पेड़ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप उनसे टूल्स बनाते हो और अपना घर भी बनाते हो। तो चलो इनको थोड़ा सा और यूज करें। तो देखो, जमीन पर सबसे पहले आपको एक गेट लगाना होगा और आपका घर रेडी। आर यू कॉमेडी मी? मजाक कर रहा हूँ गाइस। आपको गेट के साइड में थोड़ी पेड़ की सैंपलिंग भी लगानी होगी, और अगर आप टिक स्पीड थोड़ा सा तेज कर दोगे तो ये देखो भाई, आपका पेड़ों का घर एकदम रेडी है। बस थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी भाई, अंदर जाकर आपको थोड़ी बहुत ब्लॉक्स हटाने पड़ेंगे, फिर अपना मस्त सामान रखकर आप यहाँ पर जिंदगी भर रह सकते हो। और मजाक नहीं कर रहा गाइस, ये बाहर से भी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। बट ध्यान रखना, कभी पेड़ों के घर में रह रहकर मोगली बन जाओ। कुछ नहीं गाइस, वो दवाई लेने का टाइम हो गया है मेरा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। और सुनो, अगर आपको कभी ऑप्शन मिले कि भाई डायमंड्स चाहिए या शल्कर बॉक्स चाहिए, तो भाई शल्कर बॉक्स को ही लेना, क्योंकि मेरे को अभी अभी पता चला कि शल्कर बॉक्स बड़ी ही तगड़ी चीज है। और इसका रीजन भी है, बस आपको शल्कर बॉक्स के ऊपर खड़ा हो जाना है और फिर उसको ओपन कर देना है। अब आप डायरेक्ट अपने एक सीक्रेट बेस में जा सकते हो, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। क्या आपके पास भी बहुत सारा सामान है? क्या आपको भी स्टोरेज की कमी पड़ जाती है? तो अभी संपर्क करिए 5959595 पे, क्योंकि आज ही हम आपको एक दिलवाएंगे ऐसा घर जहाँ पर स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। भाई ये पूरा का पूरा घर बैरल और चेस्ट से बना हुआ है, और ये देखने में भी बहुत ज्यादा इलीगल है भाई। कहीं पर भी क्लिक करो, आपकी चेस्ट या बैरल ओपन हो जाएगा। देखो गाइस, अगर आप मेरी तरह इन विलेजर के घर में घुसकर जबरदस्ती इनसे घर ले लेते हो, तो भाई बिल्कुल ऐसा मत करो, क्योंकि इनके घर में है ही क्या, लप्पू से तो घर है। इससे काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन हमारा शिपरेक है भाई, किसी को पता ही नहीं लगेगा कि आपने वहाँ पर घर बना रखा है। और तो और आपका एडवेंचर भी होता ही रहेगा। और जंगल टेम्पल और डेजर्ट टेम्पल में अपना घर बनाना भाई, ये भी बहुत तगड़ा ऑप्शन है, क्योंकि डेजर्ट टेम्पल में तो बहुत सारे रूम्स होते हैं। और तो और आप डेजर्ट टेम्पल के ऊपर एक बीकन भी लगा सकते हो। जा विलेजर, जी ले अपनी जिंदगी, मेरे को नीचे तेरा लप्पू सा घर। आजकल के माइनक्राफ्ट के प्लेयर्स इतने ज्यादा स्मार्ट है कि उनको हर सीक्रेट बेस के बारे में बड़ी जल्दी पता चल जाता है। लेकिन ये पेड़ एक ऐसा सीक्रेट बेस का रास्ता है जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता है। तो कुछ बटन प्रेस करने के बाद ये पेड़ खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा। अब आप नीचे जाके अपना एक सीक्रेट बेस बना सकते हो, और चिंता मत करो, वो पेड़ वापस से सीधा खड़ा हो गया। किसी को उम्मीद भी नहीं हो सकती कि इसके नीचे कोई सीक्रेट बेस है। और आपने बचपन में खुलजा सिमसिम तो जरूर सुना होगा, ये दीवार भी कुछ ऐसी ही है। अगर आप नेदर स्टार ले जाकर इस दीवार के पास खड़े हो जाओगे, तो भाई देखो, खुलजा सिमसिम की तरह एक गेट ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आप अपने बहुत सारे कीमती सामान रख सकते हो। मेरी गारंटी है, कोई चोरी नहीं कर पाएगा। और यार, हमारा प्यारा बेड बड़ी काम की चीज है, ओवरवर्ल्ड में अच्छी खासी नींद दिला देता है, और भाई नेदर के अंदर हमारी नींद उड़ा देता है। और तो अब ये बेड एक सीक्रेट डोर भी बनने वाला है, कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि बेड के नीचे कोई एक सीक्रेट रास्ता हो सकता है। और भाई, अब से मैं तो अपने नेदरराइट और डायमंड्स की आर्मर इस बेड के नीचे ही रखने वाला हूँ। सच बता रहा हूँ, ड्रीम भी आ गया ना, उसको भी नहीं मिलेंगे। अगर आप भी लैडर्स को कुछ इस तरीके से यूज करते हो, तो ये करना बिल्कुल बंद कर दो। बस थोड़े से ट्रैप डोर्स लो और लैडर्स को उसके ऊपर लगा दो। भाई ये दिखने में ज्यादा कूल भी है और ज्यादा जगह भी बचाएगा। और एक और कूल चीज दिखाऊं, ये एक ऐसी टेबल है जिसके ऊपर खाना रखा हुआ है, और ये भी एक ऐसी टेबल है जिसके ऊपर खाना रखा हुआ है। लेकिन डिफरेंस ये है कि भाई मैंने आइटम फ्रेम के ऊपर एक प्रेशर प्लेट लगा दी है, जिससे कि लग रहा है मैंने प्लेट के अंदर खाना रखा है। और गाइस, खाने से याद आया, अगर आप भी फार्मिंग करते हो तो आपने ये दिक्कत जरूर नोटिस करी होगी।
मिट्टी जो हमारे फार्म की बीच वाली क्रॉप्स होती है उनको हटाने के चक्कर में भाई हम बार बार पानी में गिरते रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा अनोइंग है। बात तो सही है। तो इसका एक बड़ा ही मस्त सॉल्यूशन है, इस पानी के अंदर स्टेयर्स लगा दो, अब यहाँ पर आप अपनी फार्मिंग भी कर पाओगे और पानी में भी नहीं गिरोगे। और गाइस कभी भी नोटिस कर लेना, बैनर लगाने के बाद वो हवा की वजह से थोड़े बहुत हिलते रहते हैं। तो अगर आप अपने घर की कोई भी वॉल को पूरा ब्लैक कर दोगे और उसमें आइटम फ्रेम में कोई सा भी ब्लॉक लगा दोगे, जैसे मैंने येलो ब्लॉक्स लगाए हैं, और फिर इसके ऊपर ब्लैक बैनर लगा दोगे, तो भाई ये कुछ ऐसा एनिमेटेड वॉल लगेगा और भाई यकीन मानो ये सच में बहुत कूल लग रहा है। और अगर आप अपने घर को और डेकोरेट करना चाहते हो तो भाई सबसे इन कारपेट्स को हटाओ और फिर इसके बाद अपने घर में जमीन पर गड्ढे कर दो और उसके अंदर साइन बोर्ड्स लगा दो अलग अलग तरीके के। एंड अगर आप इनके ऊपर अब कारपेट लगाओगे तो भाई ऐसे लगेगा जैसे कोई डिजाइनर कारपेट लगा रखा है। और तो और आप वाटर लॉक स्लैब्स के ऊपर कोरल फैंस भी लगा सकते हो जिससे आपके घर की लुक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और गाइस अगर आपको भी रात को कैंपिंग करने में मजा आता है तो भाई ये वाला बेड आपका पूरा मूड खराब कर देगा। इससे तो अच्छा है कि भाई जमीन के अंदर अपना बेड लगाकर उसके साथ में स्लैब्स लगा दो। अब जरा देखो भाई ये बेड बिल्कुल स्लीपिंग बैग बन चुका है। और गाइज मैं मानता हूँ जो हमारी चेस्ट है वो बड़ा अच्छा ऑप्शन है सामान स्टोर करने का, लेकिन गाइज अगर आप सारे सामान के साथ अपना खाना भी उसके अंदर स्टोर करते हो तो प्लीज ऐसा मत करो। इससे तो बढ़िया भाई थोड़े बहुत कैंप फायर लगाकर उसको पानी से बुझा दो और साथ में थोड़ी ट्रैप डोर्स लगा दो एंड अब इसके अंदर आप अपना खाना स्टोर कर सकते हो। जरा देखो भाई कितना ज्यादा कूल लग रहा है। एंड गाइज पता है जो विलेज के अंदर आपको ये बेल देखने को मिलती है मैं इसको बिल्कुल बेकार समझता था, लेकिन अगर आप इस बेल को अपने घर में लगा लेते हो और फिर उसके ऊपर डेलाइट सेंसर लगा लोगे तो भाई सुबह और शाम होने पर ये बेल खुद बजेगी जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्या आपने बर्फ का घर देखा है? अरे यार इग्लू की बात कर रहा हूँ, सबने देखा होगा, जिसके अंदर रहने से थोड़ी सी सर्दी सी लगती है। और तो और उसके नीचे एक सीक्रेट बंकर सा भी होता है। वेल सीक्रेट से एक चीज याद आई, भाई स्नो बायोम के अंदर हमको ये वाली बर्फ भी तो देखने को मिलती है जिसके अंदर आप अपना एक सीक्रेट रूम बना सकते हो। बस थोड़ी सी बर्फ को तोड़ दो, अंदर अपना बेड और क्राफ्टिंग टेबल वगैरह रख दो और एंट्रेंस के लिए एक गेट लगा दो, भाई इतनी जल्दी आपका एक घर भी रेडी हो गया। अरे यार तुम क्या जानो, तुम्हारा माइंड फ्लक्स एक बिल्डर भी है। माइनक्राफ्ट के अंदर लावा एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई दूर रहना चाहता है, खासकर प्लेयर्स। भाई गलती से भी पैर वगैरह पर लग गया तो भाई बहुत बुरी बैंड बजती है और ये इतना ज्यादा गर्म होता है कि भाई ये हर एक आइटम को निगल लेता है और इसी चीज का तो हम फायदा उठाने वाले हैं। वेल सामने देखो, आपको एक क्रीपर का फेस दिख रहा होगा जिसके अंदर लावा बह रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर एंडर पर्ल मारूंगा मैं लावा की आर पार निकल जाऊंगा और लावा के पीछे मैंने एक मस्त सीक्रेट बेस बना रखा है, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। और खबर से याद आया, थोड़ा सा केयरफुल रहना, कभी आपने गलती कर दी ना तो आपके टपकने की खबर पूरी दुनिया में फैल जाएगी। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। नॉर्मल जमीन पर तो हर कोई घर बनाता है, लेकिन चलो एक उड़ता हुआ घर बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको जंगल में से एक मुर्गी पकड़ के लानी होगी। पहले आपको उसको अपना दोस्त बनाना होगा और फिर चलाकी से उसको गड्ढे में बंद कर देना होगा। और उससे पहले जमीन से ऊपर एक घर भी बना देना जो लगे कि भाई हवा में उड़ रहा है। एंड जिस रस्सी से आप अपनी मुर्गी को पकड़ के लाए थे उसी रस्सी को घर से बांध दो। और इस घर को और रियलिस्टिक बनाने के लिए आप घर की छत के ऊपर काफी सारे बलून्स भी बना सकते हो जिससे कि लगे कि भाई ये बलून से घर उड़ रहा है। बस ध्यान रखना कभी सुबह सुबह आप नीचे ध्यान ना दो और आपकी हड्डी पसली एक हो जाए। गाइस क्या आप जानते हो कि हमारे चंद्रयान पर एलियंस ने अटैक कर दिया था और हमारे चंद्रयान को मैंने कैसे बचाया वो आप इस वाली वीडियो में देख सकते हो, तो जाकर अभी जरूर देखना।